सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आपका दोस्त आज एंड आप देख रहे हैं एफजेड ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो ऑन अवर FZSV3। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए एंड उसकी कॉस्टिंग क्या है एंड उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ शॉर्ट टर्म में। सो वीडियो के अंदर जरूर देखना एंड अगेन चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग वीडियोस मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाइक की थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये बाइक है 150 सेगमेंट सीसी की एंड ये BS4 वेरिएंट है एंड इसमें आपको इंजन मिल जाता है एयर कूल 4-स्ट्रोक 2-वाल्व इंजन एंड ये पावर प्रोड्यूस करती है अराउंड 13.2 PS 8000 RPM पर एंड टॉर्क प्रोड्यूस करती है अराउंड 12.8 Nm 6000 RPM पर एंड ये सिंगल सिलेंडर बाइक है एंड आपको फ्रंट एंड रेयर दोनों साइड भी डिस्क मिल जाते हैं एंड ये सिंगल चैनल ABS में मिल जाती है आपको फ्रंट में एंड इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 12.8 लीटर्स एंड ये टोटली नेकेड बाइक है यामाहा की। तो मैंने अपनी जो बाइक के मॉडिफिकेशंस किए उसको स्टार्ट करूंगा मैं अपने हेड से। तो अगर मैं अपने बाइक के हेड से स्टार्ट करूँ मॉडिफिकेशंस के बारे में तो देख सकते हो आप यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर नकल गार्ड इंस्टॉल किए हैं जो कि मैंने एल्यूमिनियम रॉड के इंस्टॉल किए थे यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप। सो आप सोच रहे होंगे मैंने इसको क्यों प्रिफर किया, क्योंकि एक्चुअली जो अब प्रेजेंटली जो भी मार्केट में नकल गार्ड्स आ रहे हैं वो सारे फाइबर के होते हैं एंड जब भी आप इसको एक्सीडेंट या कहीं पर लगा देते हो तो यहाँ से ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। सो ये एल्यूमिनियम रॉड इसलिए मैंने प्रिफर किया है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लुक देते हैं एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़ एंड इसको मैं अराउंड 2-3 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली अपनी बाइक में एंड आफ्टर दैट मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर FZ के मिनी फॉग लाइट्स एंड ये मुझे कॉस्ट पड़ा था अराउंड 1900 रुपीज़ का। ये डुअल शेड में मिल जाते हैं आपको येलो एंड वाइट प्रोजेक्टर LED लाइट्स हैं एंड अगेन इसके सेपरेट फीचर्स मैंने इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर हैंडल बार पर, एक येलो वाला है एंड एक वाइट वाला है एंड ये वाला फीचर हमारे हजार्ड लाइट का जो 4 इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो आप। एंड अगेन नेक्स्ट थिंग मैंने अपने जो बाइक के हेड पर मॉडिफिकेशन किए वो है कि हमारे LED इंडिकेटर्स ये भी FZ की तरफ से मैंने लगवाए हैं एंड ये मुझे पड़े थे अराउंड 250 पेयर एंड फ्रंट एंड रेयर मुझे पड़ा था अराउंड 500 रुपीज़ का। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर कस्टम नंबर प्लेट इंस्टॉल किए फ्रंट एंड रेयर में। उसके बाद जो है हमारा डोमिनर 400 का फ्रंट फेंडर इसको मैंने इंस्टॉल किया अपनी बाइक में जैसे कि आप इसका वीडियो देखे ही होंगे मेरे चैनल पर एंड ये कॉस्ट पड़ा था मुझे अराउंड 550 रुपीज़ का। सो इसको मैंने इजीली इंस्टॉल किया है यहाँ पर जो हमारे स्क्रू बोल्ट्स आते हैं हेड पर उस पर इंस्टॉल किया था। इसकी भी सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर वहाँ पर देख सकते हो आप। एंड आफ्टर दैट मैंने टोटली पूरी बाइक पर ऑरेंज रैप किया है एंड प्रेजेंटली मेरी बाइक है ब्लैक एंड ऑरेंज थीम में जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने नकल गार्ड फेस पर एंड जो हमारा फ्रंट फेंडर है सामने की लाइनिंग पर एंड जो ये हमारे ग्रिल्स है टैंक वाले इस पर जो छोटी छोटी डिटेल है बाइक की उस सभी पर मैंने ऑरेंज रैप किया है। टोटली मैंने इसको ऑरेंज एंड ब्लैक थीम में रखा है बाइक को। एंड अगर मैं साइड वाले मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो रिसेंटली मैंने ये फुल क्रैश गार्ड अपनी बाइक पर इंस्टॉल किया है कस्टम मेड इंस्टॉल किया है वो भी एंड इसकी भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर 2-3 सपोर्ट पर इंस्टॉल किया हुआ है एंड ये 2 पार्ट्स में अलग हो जाता है। ईजी टू इंस्टॉल एंड ईजी टू यूज़ है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है अपनी बाइक को। मीन्स बाइक कहाँ से भी गिरवा लो या टोक दो बाइक को कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि टोटली टैंक को भी कवर करता है। एंड अगेन टैंक के साइड हम बात करें तो मैंने ये फ्लिप की इंस्टॉल की थी इसका भी सेपरेट छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा मेरे चैनल पर एंड ये कॉस्ट पड़ा था मुझे अराउंड 300 रुपीज़ की। एंड जो ये मेरा फुल क्रैश गार्ड है कस्टम मेड ये मुझे पड़ा है अराउंड 2000 रुपीज़ का कम्प्लीटली। एंड अगेन टैंक पर मैंने
ये टैंक पैड इंस्टॉल किया है, इसका भी पर्टिकुलर वीडियो अपने चैनल पर वहाँ पर देख सकते हो। अभी मुझे पढ़ाया था अराउंड 150 रुपीज़ का गैस, तो मुझे इतना कुछ याद नहीं है इसके बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको इंस्टॉल करके अपनी बाइक पर। एंड अगेन ये सीट कवर मैंने इंस्टॉल किया डुअल शेड में, ये भी मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा था। एंड आई गेस ये मुझे पड़ा था अराउंड 300 रुपीज़, इसको भी कस्टम भी मैंने घर पर ही इंस्टॉल किया है। टोटली जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन किए सारे मैंने घर पर ही किए हैं, बाहर कुछ करवाया नहीं है। एंड अगेन पीछे देख सकते हो आप जो हमारा स्टॉक वाला हगर होता है वो नीचे यहाँ पर कुछ यहाँ पर आता है, जो कुछ पैदा होता है नहीं है कीचड़ में, सारा तो कीचड़ उछल जाता है। एंड इसको मैंने अपलिफ्ट कर इंस्टॉल किया है जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, इसका भी पर्टिकुलर वीडियो है मेरे चैनल पर। एंड रेयर वाले साइड के बारे में अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर स्टॉक तेल दाढ़ी निकाल कर कस्टम में तेल दाढ़ी लगाई है। एंड ये टेल लैम्प कस्टम इंस्टॉल किए मैंने। एंड अगेन ये छोटे से LED स्टॉप लाइट्स, जब भी मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ ये ब्लिंक करते हैं, बहुत ही अच्छे कूल लुक देते हैं अपनी बाइक को। एंड अगेन साइड में मैंने मफलर को टोटली ब्लैक कर दिया है क्योंकि एक्सीडेंट में थोड़ा सा स्क्रैच अभी भी दिख रहे होंगे आपको स्क्रैचेज इस पर, उसको मैंने टोटली ब्लैक कर दिया है। एंड अगेन जो मैंने बड़ा सा मीटलेट आई गेस थोड़ा बड़ा सा मॉडिफिकेशन किया अपनी बाइक में वो ये है कि मैंने अपनी फ्रंट एंड रेयर दोनों टायर्स को अपसाइजिंग करवा कर इंस्टॉल किए, मीन्स पीछे वाला 140 जो स्टॉक टायर होता है उसको निकलवा कर मैंने 150 एंड सामने 110 इंस्टॉल किया है। बाइक में आपको सामने LED स्टॉप वाली पायलट लाइट देखने को मिल जाएगी जैसे कि देख सकते हो, ये मुझे पड़ी थी अराउंड 60 रुपीज़ की। मैंने यहाँ पर शॉक अब्जर को भी रैप किया है दोनों साइड, ग्रिल को भी रैप किया था। छोटा सा अपडेट यहाँ पर भी, क्योंकि जब भी हमारा पिलियन राइडर बैठता है इस पर जब पैर रखेगा ऐसे तो यहाँ घिस कर इसका टोटल कलर ही चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रबर इंस्टॉल किया है ताकि ये ख़राब ना हो। These are the modifications which I have done on my FZS V3. If you have any queries related to any modification on my bike, so feel free to comment down in the comment section. So thank you for tuning into FZS Vlog.